जय श्री राम। इस समय हम अयोध्या जी में सरयू नदी के तट पर खड़े हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं जो हमें अयोध्या जी की यात्रा करवाएंगे। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बसे हजार और एक निमिष सरयू बसे तुलैन तुलसीदास, यह ऐसी पावन धरा है। सरयू जी का ये वही पावन तट है जहाँ भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ स्नान किया करते थे। सरयू स्नान के बाद अब हम रामपैड़ी होते हुए 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर श्री बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, अब हम वहां चलेंगे। ठीक है। यह मंदिर 3 कलश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हजारों हजार साल पुराना मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का यह आश्रम रहा और भगवान राम चारों भाई प्राथमिक शिक्षा दीक्षा यहीं पर ग्रहण किए हैं। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये अयोध्या राजा का मंदिर है जिसको राज सदन या ठाकुर द्वारा के नाम से जाना जाता है। अभी हम इसी के रास्ते पर आगे चल के हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी 3 नामों से जाना जाता है, हनुमत दुर्ग जो प्राचीन नाम है, फिर हनुमान गद्दी अभ्रंक होके हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अपनी लीलाओं का समापन करके श्रीधाम वैकुंठ को जाने लगे तब सबसे कहा हमारे साथ आप चलिए। तब हनुमान जी ने कहा हे प्रभु मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, अयोध्या धाम में रहूँगा और आपके नाम का स्मरण करूँगा। तब राम जी ने हनुमान जी को इस कलिकाल का राजा बनाया और इसी पीठ पर विराजमान किया कि हे हनुमान जी जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक आप यहाँ के राजा हैं और आप हमारे नाम का संकीर्तन करते रहें। संध्या के 5:30 हो चुके हैं, अब हम आप लोगों को ले चलते हैं सरयू जी के पावन तट पर, आप वहाँ चलकर सरयू आरती का लाभ लेंगे। आज Day 1 अयोध्या जी में हम ज़्यादा टेम्पल्स विज़िट नहीं कर सके, बाकी टेम्पल्स हम कल विज़िट करेंगे। यहाँ पर हम रुके हैं होटल रामप्रस्थ में जो हनुमानगढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। 2250 हमको रूम टैरिफ पड़ा डबल ऑक्यूपेंसी में, स्टे काफ़ी कंफर्टेबल है, मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और सामने अगर आप हाईवे से चले जाएंगे तो थोड़ा टर्न लेके आप लखनऊ जा सकते हैं, गोरखपुर जा सकते हैं और फैज़ाबाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 12 से 13 किलोमीटर दूर है। चलिए अब आपसे कल सुबह मुलाकात करते हैं। आज दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला आए। यहाँ आके मैंने 2 चीज़ देखी हैं। सबसे पहले तो जैसे आप एंटर करेंगे आप नोटिस करेंगे मंदिर का जो निर्माण होने वाला है उसका एक मॉडल रखा गया है जिससे कि टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उस मॉडल को देख के अंदाज़ा लगा सके मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बहुत सारे पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर अलग अलग जगह से मंगाए गए हैं जिसमें से मुझे लगता है ज़्यादा पत्थर राजस्थान से आया है और फिर ये पत्थर जाएंगे राम जन्मभूमि में और वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या जी में मैक्सिमम मंदिर 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में है।
आप यहाँ पे यात्रा पैदल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बैटरी रिक्शा लोकल ट्रैवल करने के लिए ले सकते हैं। अभी हम छोटी देवकाली पहुंचे, अंदर चल के माता जी के दर्शन करते हैं। छोटी देवकाली मंदिर से हम जैसे ही बाहर मेन रोड की ओर आए, हमें मौर्य मिष्ठान भंडार दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर चलकर नाश्ता करते हैं। कुल्हड़ में दही बहुत सारी मलाई के साथ, सही है, गाढ़ा दही है और मलाई ऊपर अच्छे से लोड करके मेरे को दिया इन्होंने, मजा आ गया। एक बात है, ऐसा दही जिसको खाने के बाद आपको चिकनाहट महसूस हो, बड़ा ज़बरदस्त सा एहसास, बहुत डिफरेंट। शहर में इस तरह का टेस्ट आसानी से नहीं मिलता। कहने का मतलब है, जो गाय और भैंस का दूध है ना, वही डिफरेंट है जिसे इस दही को बनाया गया। काम करता हूँ, थोड़ी सी जो ठंडी होगी जलेबी, एक दो पीस इसमें डलवा लेता हूँ। मुझे ना दही जलेबी का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं लगा, हालांकि यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग शौक से खा रहे हैं। शायद उसका कारण ये है कि दही अपने आप में इतना स्वाद है कि मैं उसका स्वाद अपने बिगाड़ना नहीं चाहता। आज की तारीख में अगर अच्छा दही खाने को मिल जाए और क्या चाहिए। मुझे लगता है मैं 2 या 3 साल के बाद अयोध्या जी जब दोबारा आऊँगा ना, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला लगेगा। अब देखिए, इस समय हम रेलवे स्टेशन के पास आए हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इस एरिया को रीडेवलप किया जा रहा है। आज की तारीख में जो फैज़ाबाद का रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ रुका करेंगी। फिलहाल अगर किसी को अयोध्या जी बस पे आना है तो बस मिलेगी फैज़ाबाद से बस मिलेगी। अच्छा, वो बड़ा बस अड्डा है। तो अभी जो नया बस अड्डा मिल रहा है, वो नया घाट के पास बन रहा है या बाईपास पे? बाईपास पे, नया घाट के पास में। अच्छा, तो यहाँ से कितना? 2 किलोमीटर। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं राम जन्मभूमि यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है, और सामने ना बिरला धर्मशाला है। जी, जी। तो एक बार वहाँ चल के भी पता लगाते हैं रूम फैसिलिटी कैसी है वहाँ पर। धर्मशाला का आप आर्किटेक्चर देखिए कितना प्यारा है, गार्डन बीच में, क्लियर साफ सुथरा पैसेज। चलिए ऑफिस की ओर पता जाते हैं और उनको बोलते हैं हमें रूम दिखा दें। भाई साहब, इसका कितना बताया आपने? 400। अच्छा खासा बड़ा रूम है, और राम जन्मभूमि से हार्डली 0.5 किलोमीटर। तो एक बार दूसरा वाला रूम भी देख लेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है हॉल साइज का रूम है। इसका कितना? 1100 रुपये। यहाँ पर रहने के लिए बुकिंग आपको 2 या 4 दिन एडवांस में करवानी पड़ेगी, फ़ोन करके आप लोग बुकिंग दे देते हैं। हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बताई कि काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि फ़ोन करके बुकिंग करवा लेंगे और फिजिकली नहीं आएंगे, तो उनका रूम वो ब्लॉक हो जाता है। तो कह रहे हैं फ़ोन में बुकिंग लेने से ये नुकसान भी है। इस समय सुबह के 8:30 बजे हम सुग्रीव किला के आगे खड़े हैं, हमारे साथ पांडे जी। कल शाम तक हम इनके साथ थे। जिस जगह अभी हम खड़े हैं, ये मेन रास्ता है राम जन्मभूमि जाने को, 0.5 किलोमीटर यहाँ से हमको पैदल जाना होगा। जगह जगह यहाँ पर ना लॉकर्स बने हैं, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ी लेके नहीं जा सकते। लॉकर में रख दीजिए, दर्शन करके वापस यहाँ पर आ जाइए। आप बैकग्राउंड में ध्वनि सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, सीताराम सीताराम। अयोध्या जी में जगह जगह आप जब ट्रैवल करेंगे आपको कीर्तन सुनने को मिलेगा। चलें, आइए जी। रामलला के बहुत खूबसूरत दर्शन हो गए। रामलला और चारों भाई बाल रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। अभी जो करंट दर्शन हो रहे हैं आज की स्थिति में, वो तो ऐसे हैं कि वहाँ एक टेंट लगा हुआ है, टेंट के अंदर रामलला और चारों भाई बाल रूप में विराजमान हैं। आने वाले समय में यहाँ पर भव्य मंदिर बनने वाला है, जिसको हम सब देखेंगे और दोबारा यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। मानस जी में तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ महिमारा। ऐसा राम जी और सुग्रीव जी का प्रेम था, जिस
जिसकी वजह से बाली का भगवान ने वध किया, और यह सुग्रीव जी का भवन है, सुग्रीव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हजारों हजार साल पुराना है। इसलिए जो भी अयोध्या यात्री आएँ वो सुग्रीव जी का भी दर्शन करें और अपने जन्म और जीवन का लाभ उठाएँ। पांडे जी, हमने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता कहाँ कर सकते हैं? नज़दीक में ही सर्विस स्वीट्स है, वहीं चल के हम लोग नाश्ता करेंगे। चलेंगे। दिल्ली में लोग समोसा शाम के समय खाते हैं, यूपी में मैं जहाँ जा गया मैंने देखा समोसा सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। समोसा गर्म है और बाहर से देख के लग रहा है मुझको कि इसमें मसाले हल्के रहेंगे, ऐसा तो महसूस हो रहा है। जिस तरह का समोसा मुझे पसंद है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है, हल्के मसाले और जो बाहर की स्किन है ना उसका टेस्ट खस्ता है। सुबह के समय यहाँ पर जलेबी, गुलाब जामुन, कचौड़ी और भी काफी कुछ मिल रहा है। ये फिनिश करने के बाद हम कनक मंदिर चलते हैं। इस समय हम कनक भवन में मौजूद हैं और कालांतर में यह भवन माता कैकेयी का राजमहल था। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ और सीता जी उनके साथ आईं, तब माता कैकेयी ने यह भवन उनको मुँह दिखाई में दिया, इसलिए यह कनक भवन के नाम से प्रसिद्ध है। और अब 12 बजने वाले हैं, भोग आरती का समय हो चुका है, अब हम आरती दर्शन करेंगे। अभी हमने कनक भवन में भोग आरती में हिस्सा लिया। यहाँ पर भगवान राम और सीता माँ के तीन विग्रह हैं। इस जगह की महानता का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए, ऐसा विश्वास है कि एक समय पर यहाँ पर भगवान राम और सीता माँ रहा करते थे, ये उनका निवास स्थान था। एक चीज़ और बताइए, हमें किसी ने बताया यहाँ पर सीता की रसोई भी है, जहाँ पर लोग जाते हैं लंगर मिलता है, वो जगह कहाँ पर है? जी, इस कनक भवन के पास में ही है। ऐसा मानना है कि जहाँ भी जितनी भी मंदिर की रसोईयाँ हैं सब सीता रसोई के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन एक अमावा मंदिर है जहाँ 11:30 बजे से लेकर और दिन के 2:30 बजे तक लंगर चलता है। अच्छा, ये अमावा मंदिर हमने रास्ते में देखा था जब हम राम जन्मभूमि से सुग्रीव किला की ओर आ रहे थे। इस समय हम अयोध्या जी से लगभग 15 किलोमीटर का सफर करके दशरथ जी महाराज की समाधि की ओर आ चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का देहांत हो गया और राम जी वनवास को चले गए थे, तब भरत जी और शत्रुघ्न जी ने इसी स्थान पे उनका अंतिम संस्कार किया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पिताजी की समाधि स्थल है, जहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। यह चारों भाइयों के चरण चिन्ह हैं, भगवान श्री राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के। दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला पिंडदान, यह पिंड वेदी है, सर गुरु वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह है। यह शस्त्र बहुत ही प्राचीन है, इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं है और इस स्थान की ऐसी विशेषता है, ऐसी मान्यता है कि जो शनिवार के दिन इस स्थान पर आकर शनि का दान करता है उसकी सारी बाधाएं मुक्त हो जाती हैं, सारे संकट टल जाते हैं, ऐसा शनि देव जी ने महाराज दशरथ को वरदान दिया था। और शनि अमावस्या जब पड़ती है तब आने पर यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है और मेला लगता है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।
अब हम लोग सूरज कुंड की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सूरज कुंड है, यह प्राकृतिक जल है, वर्षा जल है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के जितने भी वंशज हुए सब लोग आके यहाँ स्नान ध्यान करते थे और भगवान की सूर्य उपासना करते थे। ऐसा मानना जाता है कि इस जल में स्नान करने वालों के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। सामने आरती के बारे में भी लिखा हुआ है कि शाम के समय जी 5:30 बजे और गर्मियों में 6:30 बजे आरती होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनकी जितनी पीढ़ियाँ हुई सभी राजा और महाराजा यहाँ इस स्थान पे आके अपने कुल देवता भगवान सूर्य का दर्शन किया करते थे और यहाँ पर उनकी उपासना किया करते थे। यह मंदिर सूर्य नारायण जी का है, आप दर्शन लाभ ले रहे हैं भगवान सूर्य नारायण का। जो भी व्यक्ति इस स्थान पे रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण का दर्शन पूजन करता है उसकी मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा जग विदित है। यह नंदी ग्राम है, इसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भरत जी 14 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर उसी चरण पादुका को अपना आराध्य मानकर इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया, और जो कुआं आप देख रहे हैं इस कुएं में 27 तीर्थों का जल है, उसी से भगवान का अभिषेक और पूजन करते थे। जो वन गमन के दौरान एक कथा आती है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब राम जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप जा कर के हिमालय से वह संजीवनी बूटी ले आएँ जिसमें लक्ष्मण जी फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी वहाँ से चले और हिमालय से वह पर्वत की श्रृंखला को उठा करके लेके जा रहे थे, तो मन ही मन विचार आया हनुमान जी को कि जब भी राम जी हमें आशीर्वाद देते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, तब कहते हैं, हे हनुमान जी, आपकी भुजाओं में भैया भरत जितना बल आ जाए, तो ऐसा क्या था कि भरत की भुजाओं में इतना बल था, तो लंका पर विजय ऐसे क्यों नहीं प्राप्त कर ली। तब हनुमान जी को भरत जी ने देखा कि हो सकता है कोई दैत्य उड़ता हुआ जा रहा है हमारी नगरी के ऊपर से, तो एक तिनके का अनुसंधान करके और हनुमान जी को जमीन में गिरा लिया। उसमें एक मानस की पंक्ति आती है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि भैया भरत जी ऐसे ही जीत सकते थे, लेकिन भगवान को अपनी लीला करती थी। चलिए हम और मंदिरों का दर्शन करते हैं। जय श्री राम। इस समय हम गुप्तार घाट पर हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में यह वर्णन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सरयू जी के इसी पावन तट से वैकुंठ धाम को पधारे थे। एक समय तीर्थराज प्रयाग इसी पावन तट पर काले घोड़े पर सवार होकर काला वस्त्र पहने हुए स्नान कर रहे थे। उसी समय महाराजा विक्रमादित्य जो अवंतिकापुरी के राजा थे वो शिकार खेलने आए थे। उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए सरयू जी में जाता है और श्वेत वस्त्र पहनकर बाहर आता है। फिर वो उनके चरण पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, भगवान आप कौन हैं। तब तीर्थराज प्रयाग अपना परिचय देते हैं कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं प्रतिवर्ष अयोध्या आता हूँ और यह अयोध्या नगरी है, इसी पावन तट से भगवान वैकुंठ को गए थे। फिर महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं, भगवान मेरा मार्गदर्शन करें। तब तीर्थराज प्रयाग कहते हैं,
कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि अयोध्या नगरी में जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी कहाँ कहाँ पर है, उस स्थान का को चिन्हित करते हैं और महाराजा विक्रमादित्य फिर से अयोध्या नगरी का विस्तार करते हैं। और यह पावन तट सभी सनातन धर्मी और जनमानस के लिए बड़ा ही पूजनीय और वंदनीय है। जय श्री राम। हमारी अयोध्या सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है। सबसे पहले पांडे जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतने खूबसूरत हमारे को अयोध्या जी में दर्शन कराए, शायद हम अपने आप से नहीं कर पाते, तो आप एक तरह से हमारे लिए साधन बने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अयोध्या जी में अगर आप आएंगे तो कायदे से आपको दो दिन का प्रोग्राम बना के आना चाहिए। एक दिन तो आप लोकल ट्रैवल करेंगे, टेम्पल्स विजिट करेंगे और यहाँ के सारे धार्मिक स्थल विजिट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दूसरा दिन आप आउटस्कर्ट्स में ट्रैवल करेंगे, जो कि हम इस समय कर रहे हैं। आज के दिन में हमने लगभग 70-75 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। एक चीज़ बताइए, आउटस्कर्ट्स में कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां हम समय कम होने की वजह से नहीं जा सके? जैसे प्रमुख स्थान है मखौड़ा, यज्ञ स्थल है, महाराज दशरथ ने वहाँ पर यज्ञ किया था। उसके बगल में ही स्वामी नारायण छपिया है जो विश्व पटल पर है, जिस गुजरात में अक्षरधाम मंदिर का हेडक्वार्टर है, और अंधी अंधा आश्रम है, और बड़ी देवकाली है, क्षीरेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। ऐसे कई प्रमुख स्थल हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए। आज के दिन की शुरुआत हमने दोपहर में 1:30 बजे करी थी अयोध्या जी से। अगर आप आउटस्कर्ट्स के टेम्पल विजिट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करिए 7 बजे या 7:30 बजे, तो शाम तक वो सारे आउटस्कर्ट्स के टेम्पल आप विजिट कर सकेंगे और उनके बारे में डिटेल में जान सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। जय श्री राम।